हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है रॉकी, हम आ चुके हैं और एक न्यू वीडियो के साथ वापस। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये जो मंदिर है पूरनपुर कुरैया नाम की एक जंगल में पड़ता है, ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस वीडियो को मैं आपको इस जंगल का व्यू भी दिखाऊंगा। और ये जो मंदिर है, यहाँ पे मंदिर में सुना जाता है कि भगवान जी आते हैं नाइट में, और मंदिर के जो चारों दरवाजे होते हैं वो बंद होते हैं, और तब भी भगवान जी आते हैं और यहाँ पे पूजा कर चला जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता है। और इसीलिए हम यहाँ पर आए इसका पर्दाफाश करने के लिए, और आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। चलो गाइस, हम आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं, चलिए आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर है, और यहाँ पे मतलब पूजा हो जाती है। ये चीज़ मैंने बाबा जी से भी पूछी, बाबा जी ने यहाँ पे बताई। और यहाँ पे भी होता है, मतलब बताया जाता है कि ये मंदिर भी होता है, मतलब पूजा हो जाती है ऑटोमेटिक। और यही चीज़ को हम यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ के बाबा जी ने भी मुझे बताया। एक आप लोगों का पूरा व्यू देते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अंदर व्यू। हमने आपको बताया कि जो बाबा जी हैं, बाबा जी से हम पूछते हैं, ऐसा होता भी नहीं कि बाबा जी से पूछते हैं, चलो वो बताएंगे आप लोगों को। बाबा जी, हमने सुना है यहाँ पे मतलब नाइट में पूजा हो जाती है, तो आप यहाँ रुकते हैं क्या नाइट में? हम रात में नहीं रुकते। आप यहाँ पे नहीं रुकते हैं? तो हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। अब भाई, हम नहीं रुकते तो हम तुम्हें कैसे बता दें रुकते हैं ना? जैसे कि हमने आपको बताया, हम कोशिश करेंगे आप रुकने की, लेकिन हाँ ऐसा सुना जाता है कि यहाँ पे मतलब नाइट में पूजा हो जाती है। इस चीज़ को हम क्लियर करने के लिए आए हैं, ठीक है ना बाबा जी? अब दिन में तो हम देख लिया मैंने, और जैसे कि आप मंदिर जब पूजा साफ तो हो जाता होगा नाइट में, साफ कर देंगे, और हम सुबह आएंगे, सुबह देखेंगे यहाँ पर कैसे पूजा होती है, कि मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर कोशिश हुई तो यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छा, कि भैया मिले हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता भी है कि नहीं होता। हाँ आप बताइए, यहाँ पे पूजा वूजा हो जाती है नाइट में? हाँ पूजा होते है भैया, मालिक ही करते पूजा, मालिक पूजा करते हैं, मानते हैं। लेकिन तो मतलब हमने सुना है कि यहाँ पे और कोई लोग पूजा कर जाता है, और कोई कर जाता है, और कोई करने वाला था ना कोई? या मतलब भगवान जी आते हैं, मतलब वो पूजा कर जाते हैं, है? और मंदिर बंद होता है उसके बाद में पूजा हो जाती है? मंदिर का मंदिर भीतर बैठा हुआ तो का पूजा रांट लिए। अच्छा, तब भी हो जाती पूजा? अगर हम यहाँ पर पूरी रात अगर रुके हैं हम, तब भी अगर हम अपने दस रात ही पूजा करने वालों है ना कोई? अच्छा, वो भगवान जी ही पूजा कर जाते हैं? और का भाई नहीं, हमने ये चीज़ सुनी है, हमारे सर भी आए थे यहाँ पे वीडियो शूट कर गए, और मैंने ऐसा सुना तभी तो हम आए हैं। हम इस प्रकार की बहुत सी वीडियो शूट कर चुके हैं। गलत थोड़ो भाई, और वो तुम्हें लेके मिले बाद में पता कर लिया। हमने बहुत से लोगों से पूछा है, हाँ मतलब ऐसा सुना जाता है, मैंने हमने सुना है तभी तुम यहाँ पे आए हैं। हाँ ये चीज़ होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर हम ये चीज़ दिखाते हैं कि होती है नहीं होती है। फूल और जल तुम्हें चढ़ा मिले, फूल और जल चढ़ा हुआ मिलेगा? हाँ लाड अंदर अंदर केवारा लगाई रहा तब भी हुई। और पंडित जी ने यहाँ बताया यहाँ रुकना सही नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जंगल है, चारों तरफ जंगल है, जंगल आपको लोगों का गाइस, हम जंगल का भी दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि हमने पंडित जी से पूछा, और पंडित जी ने आप लोगों को गाइस बताया, और मंदिर देखिए, और मंदिर के आपको यहाँ पे मतलब यही चीज दिखाते हैं, जंगल है। जैसे कि गाइस हम दिखा सकते हैं आप लोग, ये जंगल है, ये जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम जैसे कि गाइस हम आपको पूरा जंगल है, जंगल का पूरा व्यू दिखाएंगे, जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी सुनी जाती है, आइए कैमरामैन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सुना जाता है कि जो मतलब पूजा हो जाती है, मतलब आप जो कोई यहाँ पे पूजा करने आता है उसकी जो मनोकामना होती है, उसकी अगर मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे नल लगवाता है, क्योंकि ये चीज़ सुनी जाती है। हम भी अपनी एक मनोकामना जो होगी वो बोलेंगे यहाँ पर, और हो सकता है अगर हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम भी नल लगवाएंगे आकर, तो हम भी यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, और देखते हैं ऐसा होता भी है नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर अगर रुकने के लिए हमें नाइट में अगर रुकने दिया गया तो हम आपको सुबह का भी व्यू दिखाएँगे, एंड देखते रहिए, एंड तक देखना है आप लोगों। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमने पंडित जी से पूछा और पंडित जी ने बताया ये चीज होती भी है नहीं होती है, मतलब मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है।
और मैं यहाँ पे कल सुबह आऊंगा और देखूंगा आकर कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। चलो हम प्रसाद चढ़ा देते हैं भगवान जी को। और जैसा कि गाइस आप सब देख सकते हैं, यहाँ मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं और यहाँ पे सब फूल मालाएं उतार दी गई हैं भगवान शिव की। और अब हम लोग नाइट में शूट करेंगे, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी फूल माला कुछ नहीं चढ़ा हुआ है। गाइस आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर लॉक हो चुका है, यहाँ पे मंदिर बंद हो चुका है। जैसा कि गाइस आपने देखा, मंदिर बंद हो गया है। मंदिर बंद होने के बाद पूजा हो गई है और फूल उल चढ़ गए। अब हम सुबह आएंगे तो फिर देखेंगे आकर मतलब क्या होता है यहाँ पे, फूल उल चढ़े हुए मिलते हैं नहीं मिलते हैं, जितने हमने देखे हैं उतने ही मिलेंगे या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। धूप बत्ती भी लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है, धूप बत्ती लग गई। पंडित जी जैसा बता रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। पंडित जी बता रहे थे मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर बंद होने के बाद में मतलब सफाई कर देंगे और सफाई हो जाएगी। सफाई होने के बाद में वहाँ पर फूल सुबह चढ़े हुए मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूजा कर दी गई है और पूजा करने के बाद में फूल ऑटोमेटिक पहले ही चढ़ा दिए गए। अब सुबह मंदिर खुलेगा तो फूल चढ़े हुए मिलेंगे ही। यही आपको गाइस यही दिखाना चाहते थे हम। बंद हो चुका है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों ने एक रहस्य पूरा उस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। यहाँ पे पंडित जी ने खुद अपने लड़के से वहाँ पे पूजा करवाई और फूल चढ़वाए हैं, उसके बाद कपाट बंद किया। हम लोगों से वो कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ। हम लोग रुके, उनके साथ ही गए, लेकिन जब हम लोग थोड़ा इधर उधर हुए तो उन्होंने खुद वहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं। और थोड़ी देर बाद आते होंगे, यहाँ पे जलाभिषेक भी कर देंगे। यहाँ पे सब कुछ बिछा हुआ पड़ा है, इसका मतलब वो रात में यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे भगवान इंद्र आते हैं, ना ही यहाँ पे कोई नाग नागिन आते हैं जो आके पूजा करते हैं। यहाँ पे उनका खुद एक फंडा बना हुआ है जिसमें वो लोगों को फंसा कर सिर्फ माल लूटते हैं, पैसे कमाते हैं। जैसा कि गाइस आप जयशंकर ने बताया, ऐसा है, राइट है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। मैं भी यहीं था, यही कहते हैं भगवान तो होते हैं, भगवान को मैं भी मानता हूँ, भगवान है, ऐसा है। लेकिन जो पंडित लोग होते हैं ना, वो लोगों को अंधविश्वासी में डालते हैं कि ऐसा है, फलाना है, ढिमाका है। मंदिर में भगवान है, मैं भी मानता हूँ, मतलब आदमी आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएँ मांगते हैं। हाँ, मनोकामनाएँ उनकी पूरी होती हैं, तभी तो लोग यहाँ पर नल लगवाते हैं। मैंने खुद देखा है, आप लोगों को दिखाया भी होगा, नल लगे हुए हैं। हाँ, नल लगे हुए हैं, मानते हैं भगवान है। लेकिन जो पंडित जी हैं अंधविश्वासी में लोगों को डालते हैं कि यहाँ पर जो नाइट में सब बंद हो जाता है, और सब बंद होने के बाद में भी फिर पूजा हो जाती है, ऐसा नहीं है। पंडित जी ने खुद यहाँ पर पूजा की और पूजा करने के बाद में उन्होंने बंद कर चले गए। यही इसका रहस्य था और कोई रहस्य नहीं है। चलिए, धन्यवाद।